हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज हेजी 9, यूनिट 9 का चेक योरसेल्फ। ये एफ ए 2 का लास्ट चेक योरसेल्फ है। तो स्टूडेंट, आपसे सारी एक्सरसाइज आपसे निकालनी आई गई होगी, तो अब इसे सीख लेते हैं। चेक योर सेल्फ में जो हम सीख लेते हैं उसे हम दोबारा करके देखते हैं, ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स। द एस्टिमेटेड सम ऑफ 64 and 89 टू नियरेस्ट 10। तो हमें इसका नियरेस्ट 10 बताना है। तो देखिए, यहाँ पे नियरेस्ट 10 है तो वंस पे देखेंगे, वंस पे 4 है तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 89 है, वंस पे 9 है तो 8 पे 1 ऐड हो जाएगा 90, तो 9 और 6 15, तो भाई ये आंसर आ जाएगा आपका 150। पहले आपने भाई जो 64 है वो किसके नियरेस्ट है, 60 के, 89 किसके नियरेस्ट है, 90 के, और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है जी। द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 85,093 and 41,397 टू द नियरेस्ट 100। तो हमें इसका नियरेस्ट 100 निकालना है और इसे माइनस करना है जी, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो 100 कह रहा तो 10 प्लेस पे देखेंगे। देखिए 10 प्लेस ये है और इसमें 10 प्लेस ये है, नियरेस्ट 100 कह रहा है। तो जो भी कहता है उससे पहली वाली प्लेस पे देखते हैं क्या डिजिट लिखी हुई है। इस पे भी 9 है, इस पे भी 9 है, ठीक है जी। तो इस 9 का 1 0 में ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 85100 है ना। 100 कह रहा तो 1 और 10 की जो डिजिट है वे 0 हो जाती हैं। अब इसमें 9 है तो ये भी 3 में 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4149, और ये भी 0 हो जाएगी दोनों डिजिट। अब माइनस कर लीजिए 0 0, कितने हो गए 11। 11 में से आपको 4 माइनस कर देने, कितने रह गए जी 7। एक के लिए उधर चला गया था, यहाँ 4 रह गए, 4 में से 1 माइनस कर दिया 3, और 8 में से 4 माइनस कर दिया 4। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 7 और 4 11 carry 1 3 और 1 4 1 5 और 4 4 8, ठीक है जी। 4 3 7 0 0, ओ ये तो यहाँ का है भाई, 4 3 7 0 0, अब क्या कह रहा है जी, सी वाला, राउंडिंग द नियरेस्ट 1000। तो ये क्या है डिजिट, ये 1000 होगी, ये लैक होगी, 24,09,538। इसे आपको क्या करना है, इसे नियरेस्ट 1000 करना है। तो स्टूडेंट 1000 ये है तो 100 प्लेस पे देखेंगे क्या लिख रहा है, 100 प्लेस पे लिख रहा है 5, तो 5 का 1 मान के इसमें ऐड कर देंगे 1000 में, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, और 1 कैरी हो जाएगा 10 हो जाएगा 40, और जी नियरेस्ट 1000 के रहा तो
T1s, 10s और 100 तो ये भी आपकी जीरो हो जाएंगी। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब डी वाला राउंडिंग 5,40,839 नियरेस्ट टेन कह रहा तो वंस प्लेस पे देखते हैं, वंस प्लेस पे 9 है तो 10 प्लेस पे 1 जो भी डिजिट होगी उसमें 1 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। अब वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई 39 किसके नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट है तो सेम डिजिट आ जाएगी 4,50,840। और क्वेश्चन ठीक हो गया है ये। राउंडिंग ऑफ द इतने टू नियरेस्ट टेन, ठीक है। अब स्टूडेंट इन्हें ऐड करके इन्हें इससे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है जी। तो इसमें ना तो नियरेस्ट दिया ना कुछ दिया, है ना, ना थाउजेंड दिया कैसे करा इन्होंने। तो वैसे स्टूडेंट हम देख सकते हैं जो भी आंसर है जिन्हें हमें मैच कर रहा हूँ उनके सबके वंस पे जीरो है। वंस पे जीरो तभी आती है जब हम नियरेस्ट टेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए 53 है तो 50 हो जाएगा, 86 है तो 90 हो जाएगा, है ना। तो जीरो ये आ गया, ये कहाँ है, ये रहा, तो ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा देखिए 210 वंस प्लेस पर जीरो है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ 57 जो है वो जो 60 के लगभग होता है 270, तो बी वाला किससे मैच होगा, थर्ड से, तो हमने यहाँ बी ले लिया। फिर 58 की 60 के नियरेस्ट है और 130 के नियरेस्ट ही रहेगा, तो सी वाला मैच हो गया जी फर्स्ट वाले से। अब जो बचेगा वो उससे मैच होगा, पर फिर भी देख लेते हैं इनका आंसर सही आ रहा है। 20 20 अब 5 है तो ये 10 हो जाएगा, तो ये इससे मैच हो गया, देखो ये आंसर आया, तो डी वाला इससे मैच हो जाएगा सेकंड से, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपकी जो मैचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस मैचिंग में इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये नियरेस्ट है भाई, है ना, इनके नियरेस्ट आंसर से या राउंडिंग आंसर से मैच कीजिए। तो कभी आप ऐसे ही मैच करें और फिर आंसर देखें कि भाई इधर ऐड करके आंसर तो कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है जी। तो आप समझ लीजिए जो ये आंसर आ रहे हैं वे नियरेस्ट टेन के आ रहे हैं, तो इन्हें सबको नियरेस्ट टेन किया गया है इन सबको, और जब आंसर ये आ गए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक करेक्ट है, जो भी करेक्ट हो उस पर निशान लगाना होता है, टिक करना होता है। देखिए जी पहले क्वेश्चंस पढ़िए और समझिए। द एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, ओ 258 and 175 व्हेन द नंबर आर टू द नियरेस्ट 100, तो क्या करना आपको, इन्हें नियरेस्ट 100 करना है, तो 100 करना तो 10 प्लेस पर देखेंगे यहाँ 5 है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये। अब यहाँ से भी नया यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और नियरेस्ट 100 में 2 जीरो आएंगी तो 0 0 5,
ये आंसर आएगा, है ना। ऐसे नहीं कि भाई किसी भी आंसर पे निशान लगा दिया, तुक्के लगा लिए। आपको आंसर निकालना होता है, उसके बाद ही जो आंसर आपका मैच करता है तो उसी आंसर पे आप टिक करेंगे। अगर आपका आंसर इससे मैच ही नहीं करता तो आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका गलत है, है ना। आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता, अपने क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कीजिए सही तरीके से, ठीक है जी। नहीं तो एक ना एक आंसर जरूर मैच करेगा। तो कौन सा आंसर मैच करा भाई, 500 वाला? सॉरी स्टूडेंट, ये सबट्रैक्शन था, माइनस करना था, हमने ऐड कर दिया था तो ये रॉन्ग है, तो ये माइनस करना था। सबट्रैक्शन माने माइनस होता है, तो इसका पहले वाला जो आंसर है वो आएगा, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया, मैच हो गया। अब बी वाला, द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ 53 और 35 का एस्टिमेटेड आपको आंसर देना है। 53 50 के नियरेस्ट है जी और 35 40 के नियरेस्ट है। 4 5 20 और 20 ही है जी। क्या आंसर आ गया? 2000 आ गया। कहीं है यहाँ पे 2000 3000 4000 2000, 3 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब सी वाला, द एस्टिमेटेड कोशेंट ऑफ द 116 डिवाइड बाय 4। तो जी इसे भी एस्टिमेट कर लेंगे, है ना, पहले एस्टिमेट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर सी, द एस्टिमेटेड कोशेंट ऑफ 116 डिवाइड 4 इज। देखिए स्टूडेंट, जो 116 है ये एस्टिमेटेड हो सकता है, बट 4 इज नॉट एस्टिमेटेड। अगर देखिए जो 4 है वो किसके नियरेस्ट है, अगर हम 5 से 5 6 7 8 9 इन्हें तो 10 के नियरेस्ट मानते हैं, लेकिन अगर 4 है 3 है 2 है 1 है तो इन्हें हम सबको 0 के नियरेस्ट मानते हैं, है ना। तो अगर 4 को 0 के नियरेस्ट मान लिया, ऐसे 0 मान लिया, तो फिर डिवाइड होने का ही नहीं है ना। तो अगर ये हमारा डिवाइड नहीं हो, एस्टिमेटेड नहीं हो रहा, 4 को हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो हम इसे भी पहले वाले डिजिट को भी नहीं करने गए, ठीक है। तो हम इसे एस्टिमेटेड ये हो ही नहीं रहा, 4 1 4 3 16 36 हो गए, 4 9 36 4 2 8 थे भैया, है ना। तो 29 आंसर आ गया इसका। क्यों आ गया? क्योंकि अगर हम इसे 0 को इस्टीमेट करेंगे, नियरेस्ट वंस करेंगे, तो ये होने का नहीं है ना, इस्टीमेटेड ही करना होगा, ऐसा राउंड ऑफ तो होता ही नहीं है, तो ये हुआ ही नहीं, तो हमने इस डिजिट को भी नहीं किया फिर, तो पहले वाला आंसर आ जाएगा। इसे डायरेक्ट ही डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका चेक योर सेल्फ कंप्लीट हो गया है, आप इसे फिल कर लें, अच्छी तरह समझ लें, ठीक है जी। तो FA2 का जो सिलेबस था वो यहाँ तक आपका समाप्त हो गया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।